ये देखिए कितना क्यूट क्यूट बच्चे। तो अभी बात कर रहा हूँ गुवाहाटी से, कुछ खास कहने को है नहीं, दो राज्य हूँ गुवाहाटी। तो आप सबको मालूम है मैं पिछले 10 दिन था कोलकाता, और वीडियो थोड़ा थोड़ा आया, तो कोई बात नहीं, अब बहुत ही सही चल रहा है। तो आज जाऊंगा फाइनली रात को घर, 12 या 13 दिन हो गया, अब तो हिसाब ही भूल गए। कोलकाता से जब आया उस दिन मैं अच्छे से मार किया, ये जो लाइन आप लोग दिख रहे हो ये कोई रेशन वेशन या वैसा कुछ भी लाइन नहीं है, ये एक ऑटो स्टैंड का लाइन है। लोग ऑटो में बैठने के लिए मुकुंदपुर में, जो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, मुकुंदपुर में ऐसे लाइन लेता है। कितने अच्छे है वहाँ के लोग और वहाँ के लोगों के विचार, ये जरा सोच के देखिए, माइंड ब्लोइंग। हमार खूब भालो लागछे। तो गाइस फाइनली 9 दिन के बाद गुवाहाटी, अब यहाँ पे मिल गया पुष्पा, यहाँ पे मिल गए नहीं, पुष्पा को यहीं पे रख के गया था पार्किंग में। तो अब चलता हूँ, पुष्पा में जब भी आता हूँ ना फीलिंग से अलग आता है, क्या कर सकते हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है 2:47, तो अभी बाय बाय करता हूँ ओम श्री रेजिडेंसी गुवाहाटी, अब पधारता हूँ नौगांव की ओर। शाम के टाइम अकेले अकेले पहुंच गए सोनापुर टोल गेट, एक काट ले यार, फास्ट एज से काट ले, एक्सेप्टेड। तो अकेले अकेले जा रहा हूँ घर, चाचा जी है एम्बुलेंस में। अभी तो मुझे सारी यादें, वो सारे मेमोरीज जो 12 दिन पहले हुआ था सब याद आ रहे हैं। जैसे कि मैं असम में अपने बिजनेस में था, फिर बंगाल से कॉल आया, फिर ऐसा ऐसा ऐसा। घर से सिर्फ कपड़े लिया और पुष्पा को एयरपोर्ट पर रख के सीधा चला गया कोलकाता। तो ऊपर वाले की कृपा से अभी सब सही है, बट ये 12 दिन कैसे कैसे गया, खोपड़ी में घूम रहा है सारे के सारे। तो गाइस फाइनली आज 12 दिन के बाद घर, फैमिली होने का क्या फायदा, ये देखिए सामा। आई लव यू। मैं घर में आके सबसे पहले नहाया, फिर फैमिली के पास आया। ये तुम्हारा बैग, ठीक है, ये लीजी महिला, या इसके अंदर कुछ कुछ है, देख लो। मैं कुछ खास सामान नहीं खरीदा इस बार, कोई बात नहीं। तो भाई सामान का एक दिक्कत हो गया, ये देखिए यहाँ पे मुंह पे कुछ हुआ है मुंह के अंदर। तो चलो अभी तुम्हारे अफजल दादा के पास चलते हैं। मेरा चाचा जी डॉक्टर है, अभी चलता हूँ चाचा जी के पास, सामान को दिखा कहता हूँ। मेरा एक छोटा सा बुआ हुआ है। कितना छोटा है? इतना छोटा, ठीक है चलो अभी देखता हूँ, वो मेरा छोटी बहन है। चलो अदनान के घर चलो। ओ ये अनिका का बिल्डिंग हो ही गया, जब भी मैं बोलता हूँ ना अनिका का बिल्डिंग है तो रीता गुस्सा हो जाता है। ये देखो फूल कितना खूबसूरत है गाइस, रात को भी इतना अच्छा लग रहा है, दिन में तो बात ही अलग है इन फूलों का। अदनान क्या खा रही हो, चिकन फ्राई? ओ रीता वो चिकन फ्राई किसने बनाया? पापा ने। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये खालो खालो सारे के सारे खालो। तो गाइस ये रास्ते का हालत तो थोड़ा खराब ही हो गया, लेकिन अभी फिर से शायद काम शुरू करेंगे, देख रहा हूँ। तो मस्त चिकन विकन खा के हम आ गए घर। तो रात का खाना गाइस, पूरे 12 दिन के बाद फैमिली के साथ हैप्पी। हाँ, बहुत ज्यादा। तो गाइस फाइनली पहुंच गए बिकी के घर, तो बिकी अभी घर में ही है, बिकी से मुलाकात करता हूँ। तो अभी खाऊंगा ये स्पेशल चीज जो वेजिटेबल से बना है, यहाँ पे भी बन गया है सब, जल्दी करा जल्दी करा। तो अभी खाना तैयार हो गया, तो काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया मैं और बिकी, तो खाना रेडी। तू आ गया मछली देखने के लिए? हाँ। ठीक है देख देख देख,
तो ये रहा गाइस मेरा तालाब, ये मेरा प्राइवेट आइलैंड। वहाँ से ये जाल घुमा घुमा के वहाँ तक गया, वहाँ से ऐसे ऐसे घुमा के लेके आएगा, इस तरफ से मछली पकड़ेगा और इधर मछली रखने के लिए रखा है। यही कल मार्केट में जाएगा सुबह को। ऐसा ही होता है कॉफी लवर्स की लाइफ। बारिश हो रहा है लेकिन कॉफी चाहिए। अभी चलते पुष्पा के अंदर। आज तो गाइस ऐसा हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप। अभी बारिश हो रहा है ना, देखना थोड़ा आगे जाते ही धूप मिल जाएंगे। तो पूरा खुश दिख रहे हैं सामा। तो पुष्पा का पॉल्यूशन कर लिया यहाँ से। तो अब होगा मस्त मस्त शाम की नाश्ता। ये मैंने खा लिया ऑलरेडी, अभी फिर दूसरा ले लिया। अभी यह तासली काफी सारा मेहनत कर रहा है इसको बनाने के लिए। ये रेडी हो रहा है और इसका मेन कारीगर है मिस्टर खैरुल। और यहाँ पे चूल्हे के पास है मेरा बहन। ये चल रहा है। अम्मा यहाँ बर्तन धो रहा है। ये रहा कलर पैकिंग डक और इस साइड में व्हाइट पैकिंग डक। ये देखिए कितना क्यूट क्यूट बच्चे। काफी दिनों के बाद अभी बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। आई मीन बिजनेस फोन पे ही चल रहा था लेकिन प्रैक्टिकल में मैं नहीं था ना, अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब आ गए हो असम, डोंट वरी।